हम क्लास 6 के साइंस के यूनिट नंबर 1 साइंस स्किल्स के लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बेटा आज के आपके लेक्चर में है डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो होती है किसी भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करना, यानी कि उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। कि मतलब जैसे कि सबसे पहले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में आता है हाइपोथेसिस। सबसे पहले अब हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे अब हमें पता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि पानी यानी कि वाटर, जो वाटर होता है वो जल वाटर के अंदर जो शुगर होती है वो हॉट वाटर के अंदर जल्दी डिजॉल्व होती है और कोल्ड वाटर के अंदर जल्दी डिजॉल्व नहीं होती। अब ये ऐसा क्या है, ये हाइपोथेसिस के अंदर क्या आता है, राइटिंग डाउन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन, दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब मैंने वाटर लिया है और मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि जो गर्म पानी होगा उसके अंदर शुगर जल्दी डिजॉल्व होगी और जो ठंडा पानी होगा उसके अंदर शुगर जल्दी डिजॉल्व नहीं होगी। तो इस वक्त जो मैं स्पेक्ट कर रही हूँ यानी कि जो मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ वो क्या है, हाइपोथेसिस है। अब मैंने क्या किया कि उस हाइपोथेसिस को करने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगी यानी एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात है कि हॉट वाटर के अंदर शुगर जल्दी डिजॉल्व होगी। अब जब मैंने वो किया तो जब मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन सही साबित होगी तो उसे कहा जाता है फेयर टेस्ट। फेयर टेस्ट को समझाने से पहले मैं सबसे पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर द थिंग्स दैट चेंज एंड कैन यूजुअली बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। बेटा वेरिएबल क्या होंगे, अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जिन जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हूँ वो मेरे लिए क्या है, मतलब उनके अंदर मैं चेंजेस लेके आ सकती हूँ। जैसे कि मैं अब मेरे पास क्या है, वाटर है और शुगर है और मैं उसको क्या कर रही हूँ, और वाटर का टेम्परेचर कैसा है, हॉट है। अगर मैं उसमें से किसी भी एक चीज़ के दरमियान चेंज लाती हूँ यानी कि अगर शुगर का अमाउंट कम कर देती हूँ और वाटर का अमाउंट ज़्यादा बढ़ा देती हूँ या ऐसा करती हूँ कि वाटर कम रहे और शुगर का अमाउंट ज़्यादा कर दूँ, तो इससे मेरे हाइपोथेसिस पे फर्क पड़ेगा यानी जो मैंने सोचा था वैसा नहीं होगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने पानी थोड़ा लिया और उसके अंदर शुगर बहुत सारी डाल दी। पानी तो हॉट ही है लेकिन जब शुगर बहुत सारी होगी तो वो उसके अंदर जल्दी डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। अब इसी तरीके से फेयर टेस्ट के अंदर क्या होता है, फेयर टेस्ट यही होता है कि जब आप यूज द सेम अमाउंट ऑफ शुगर और यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि आपने जितना पानी लिया है उसी के मुताबिक आप शुगर लोगे। जिस तरह एक ग्लास पानी के अंदर एक या दो चम्मच चीनी डाल के उसको डिजॉल्व किया जाता है, ना के 5-6 चम्मच डाल के उसको एक ग्लास या आधे ग्लास पानी के अंदर डिजॉल्व कर, अगर हम इतना अमाउंट ऑफ शुगर लें कि उतने अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर वो डिजॉल्व हो जाए, तब मेरा हाइपोथेसिस किस में जाएगा, फेयर टेस्ट में जाएगा। फेयर टेस्ट कहते हैं यानी ऐसा ही वो ही मुमकिन होगा जो मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ होगा। एंड स्टिल एट द सेम स्पीड ईच टाइम, और मैं उसको पानी के अंदर शुगर को बिल्कुल एक ही वक्त में एक ही तरीके से एक ही स्पीड में क्या करूँगी, मिक्स करूँगी या हिलाऊँगी। यानी कि फेयर टेस्ट ये है कि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ शुगर यूज़ कर रही हूँ और उसको एक ही वक्त में यानी कि एक ही स्पीड में हिला रही हूँ तो वो क्या होगा, फेयर टेस्ट होगा, यानी कि वही कुछ होगा जो मैंने अपने दिमाग में हाइपोथेसिस सोची होगी। अब आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।